हे गाइस, यू आर वाचिंग जॉय लॉग्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो व्लॉग होने वाला है वो 5K में होने वाला है, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ IZ1 5K एक्शन कैम से। और आज का पूरा व्लॉग मैं इसी कैमरा से शूट करूंगा। देखते हैं ये छोटू सा कैमरा कितना केपेबल है व्लॉग शूट करने के। बाय द वे, मैं अपने दूसरे कैमरे में स्विच करके दिखाता हूँ कि कौन से कैम से मैं शूट कर रहा हूँ। सो ऑल राइट गाइस, आई विल शूट होल व्लॉग इन दिस छोटू सा कैमरा जो कि आप देख सकते हो इतने से हाथ में आ गया मैंने। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये आप देख रहे हो IZ1 और उधर है मेरा सोनी का कैमरा। एंड अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये आप देख रहे हो सोनी ZV-E10। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कितना है। वैसे सोनी का कैमरा इससे बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब लगभग 6 गुना महंगा है। तो भाई क्वालिटी ऑब्वियसली सोनी की बढ़िया होगी, लेकिन ये भी इतना सस्ता होके देखते हैं कैसी वीडियो शूट कर पाता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये वाला कैमरा है जो ये 10,000 का है, और ये सोनी वाले से बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, ये सिर्फ 10,000 का है। तो ये वाला जो कैमरा है सोनी का ये आ जाता है 60,000 का, विच इज़ वे एक्सपेंसिव देन दिस वन। तो आप देख सकते हो किस तरह का डिफरेंस है। तो चलो यार बाहर चलते हैं, पूरी वीडियो शूट करते हैं IZ1 से, देखते हैं कैसी क्वालिटी आएगी। सो ओके गाइस, टाइम इज़ नाउ 3 PM और अभी मैं जा रहा हूँ अपने आईफोन को पिकअप करने, जो कि हमने कल दिया था ठीक करने के लिए, मतलब ठीक नहीं सॉफ्टवेयर करने के लिए दिया था। वैसे तो कुछ हुआ नहीं था उसको, ओनली सॉफ्टवेयर ग्लिच था। जब भी हम पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर लेते थे तो वो ब्लैकआउट हो जाता था, तो सॉफ्टवेयर हो गया है। अभी हम पिकअप करने जा रहे हैं आईफोन, एंड थैंक गॉड कि मेरा आईफोन वारंटी में था इसीलिए फ्री में हो गया। बाय द वे, मैं एक दिन बिना आईफोन के रहा हूँ एंड्रॉयड पे, और बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहता है जब आप एक आईफोन से एंड्रॉयड में स्विच करते हो, तो बहुत ही स्लो फील होता है जो एंड्रॉयड रहता है। सो ओके, राइट नाउ आई हैव टू गो यूनिकॉर्न विच इज़ प्लेस्ड हियर। And this is the Unicorn store. So I have to go upstairs because जो service center है वो ऊपर है, तो first floor पे जाना पड़ेगा। And I got my iPhone, but इसका रैप उतार दिया यार, अच्छा नहीं लग रहा। बट मुझे सर्विस बहुत ही अच्छी लगती है एप्पल की, क्योंकि कोई भी पेपर वर्क नहीं रहता, जो कवरेज होती है वो भी अपनी एप्पल आईडी में आ जाती है, तो कोई भी बिल वगैरह नहीं चाहिए रहता, तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, जो भी सर्विस रहती है उसकी हमको मेल आ जाती है। और भाई मैंने सॉफ्टवेयर भी करवा लिया और जो सफाई रहती है वो भी करवा ली, वरना उसके भी 1500 चार्जेस रहते हैं बाद में। इन्होंने करी नहीं थी, तो जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने इनको पूछा कि आपने सफाई नहीं की इसकी, तो उन्होंने बोला नो। मैंने बोला कर दो भाई, वारंटी में है, फ्री में हो जाएगा अब, तो फिर 1500 देने पड़ेंगे बाद में। तो सो फार सो गुड, एप्पल सर्विस इज़ वेरी गुड। सॉफ्टवेयर हो गया, सफाई हो गई, तो अपना वही हो गया, 2-3 हज़ार का काम हो गया, फ्री में अंडर वारंटी था ना। एनीवे अभी मैं जा रहा हूँ सलून में टू कट डाउन माई हेयर्स, और देखता हूँ यार, एक मन कर रहा है कि नया हेयर स्टाइल अप्लाई करूँ, क्योंकि मैं एक लुक से ना बोर हो जाता हूँ अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए रखता हूँ एक ही लुक को। तो अभी मेरा मन कुछ ऐसा हो रहा है कि इसको चेंज कर दूँ लुक को, काफ़ी टाइम से मैंने यही रखी है। और की हाल है और ठीक हो? वाह वधिया, मॉक टेस्ट दे के आए हो, किन्ने पेंट आ गए? हाँ अच्छा, चल सही है, हो जूगा कोई ना, ठीक है चल चल ओके भाई। तो ये आ गई हमारे दीपू भाई की शॉप। और भाई दीपू क्या हाल है? सो राइट नाउ आई एम इन द सैलून और अभी हम कट करवाएंगे हेयर्स। दीपू अपने हिसाब से कर दिया है।
तो भाई इस बार ज़्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन लुक बहुत ही अच्छी आ रही है क्योंकि बियर्ड बढ़ाई है ना हमने इसीलिए। और बाकी साइड्स जो है ये एकदम मिक्स करवा ली है, पहले शेव थी अभी पूरी मिक्स हो चुकी है। और बाकी कमेंट करके बताओ यार कैसी लुक आ रही है। तो ओके भाई हमारी हेयर कटिंग तो हो चुकी है डन, अभी मैंने जाना है कुछ कंसल्टेंसी वालों के पास क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्लान ऑन द वे है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो हम पूरा व्लॉग शूट करेंगे, पूरी सीरीज होगी उस चीज़ की। अगर हो गई एंड आई एक्साइटेड फॉर दैट मोमेंट, एंड एक बहुत ही अच्छी और एक्साइटेड सीरीज होगी आप लोगों के लिए वो वाली अगर बन गया काम तो। बाकी वैसे भगवान नहीं करना है भाई, होना तो वैसे ही है, हम तो सोचते ही रहते हैं। अरे भाई इतनी ठंड लग रही है, शाम को क्या होगा, अभी ही इतनी ठंड लग रही है। सो भी सामने से एक्सपोजर पड़ रहा है कैमरा पे, आप देख सकते हो किस तरह की लाइट एडजस्टमेंट एक्सपोजर एडजस्टमेंट करता है अपने आईजी वन प्लस। और टाइम बहुत ही कम बचता है यार एंड पे आके ना, सारा वही बंदा मजबूर हो जाता है। ओके गाइस टाइम इज नाउ 9:20 इन द नाइट और काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है बाहर आप देख सकते हो, और वही ठंडी बहुत ज़्यादा है यार। तो ये है कुछ नाइट की क्वालिटी आप देख सकते हो, आईजी वन प्लस पूरी डार्कनेस में, मतलब नॉर्मल जो सड़क पे ऊपर लाइटें रहती है स्ट्रीट लाइट्स वो जल रही है, जो कि रोड्स पे इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं रहती, ठीक ठाक सी लाइटिंग है। तो आप देख सकते हो किस तरह की क्वालिटी आती है आईजी वन प्लस कैम की। ओ यार भैया रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा। दिस इज द नेक्स्ट डे, तो कल भाई सलून के अंदर पता नहीं कैसे नॉइस विंड रिडक्शन ऑफ हो गया था और अभी तक ऑफ है, तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो नॉइस विंड रिडक्शन ऑफ के साथ आ रही है। बाकी जब मैंने बाइक पे शूट लिए थे, मतलब स्कूटी पे शूट लिए थे, वो वाले जो शॉट थे वो इसके एक्सटर्नल माइक से आ रहे थे जो कि इसके साथ आता है टाइप सी वाला माइक, नो डाउट बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब आप नॉइस विंड रिडक्शन ऑन रखोगे तो वो अच्छा वर्क करेगा, वरना उसकी आवाज़ फटी फटी आती है जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है। एंड कमेंट करके बताना कि इसकी क्वालिटी कैसी लगी आईजी वन प्लस की। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई और कैंट सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।